ये क्या मतलब दवाई यार, ये दवाई है? दवाई है। और कैसी दवाई चलती है हमारे पास? और बाकी ऐसी दवाई चलती है। ये दवाई ओहो, इस दवाई में कुछ मिला तो नहीं है? नहीं नहीं, पक्का? अच्छा बच्चों, ये ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। में विपिन चौधरी आपका भाई फिर से एक ब्लॉग लेके आ चुका। सारे भाई को जय श्री श्याम। सारे भाई आई होप बढ़िया हो गए। तो गाइस, आप लोगों ने है ना 10,000 नहीं कराए, ब्लॉग आप अच्छे से देख रहे हो, मेरे को सपोर्ट भी कर रहे हो, तो भाई जल्दी से जल्दी 10,000 कराओ। फिर मैं कुछ धमाका लेके आने वाला हूँ, और बहुत बड़ा धमाका लेके आने वाला हूँ। जैसे आप 10,000 कराओगे, मैं आपको एक धमाका दूंगा बढ़िया वाला। तो अभी का टाइम देखो क्या बज रहा है यार, 11:44 हो रहे हैं, आप देख रहे हो गाइस। और ये अब 11 बजे मैं भी जिनसे आगे बैठा ही हूँ, मतलब कि मैं ऑफिस आगे बैठा, और उसके बाद अंश का आपको पता ही है, अंश को चूल रहती है काफी ज्यादा, तो उसने डीसी अवंती बेच दिया। डीसी अवंती बेचने के बाद अब उसने कार ले लिया स्पोर्ट्स, तो उसने गाड़ी जो पूना से लिया, आपको पता है अभी हम काफी टाइम से घूम भी रहे थे, कभी फ्यूजन कार कभी कहीं इधर उधर जा रहे थे, क्योंकि एक मतलब आपको पता है यार, तसल्ली से गाड़ी ली जाती है, ये तो यानी कि एकदम ही हम जाए और कुछ भी उठाना है, कुछ भी तो उठाना नहीं था। तो उसने काफी घूम घाम के, मतलब काफी लंबा समय के बाद एक गाड़ी पसंद आई है उसे, वो भी पुणे से गाड़ी अब आई है, तो अब गुड़गांव आ गई। तो उसके बाद वो बंदा कह रहा है कि मेरे को अभी गाड़ी चाहिए भैया, कल नहीं चलना, अभी चलना है। तो मैंने ठीक है भैया, आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अंश का बर्थडे है 13 तारीख को, उसके लिए मीटअप रखा है हम सब ने मिलके, तो सारे भाइयों को 1 बजे आना है, और लंच भी आपका वहीं पे है, और पार्टी इंजॉय वगैरह। और एक चीज और दिखाता हूँ, देखो गाइस, बर्थडे के लिए मैंने उसके लिए स्पेशल गिफ्ट, देखो, जो हर कोई पता नहीं करते या नहीं करते, मेरे को नहीं पता, पर मेरे को दिल से उससे प्यार है, तो मैंने देखो क्या कराया है। कैसा लगा गाइस, कमेंट में जरूर बताना कि कैसा लगा, सच बताना, दिल से छुआ है ना? तो मैंने उसके लिए बनाया था, क्योंकि मेरा वो हार्ट पे टच होता है भाई। गाइस, उसको ये पता नहीं है अभी, क्योंकि ये आज बनवाया मैंने, और ये मैं उसके बर्थडे पे दिखाने वाला हूँ, उसका रिएक्शन देखेंगे चल के कि क्या रिएक्शन होने वाला है, वो आपको ब्लॉग में दिखी जाएगा, जैसे कि आपको पता ही है। और एक चीज और मैं बोलने वाला था कि जैसे कि आप देख रहे हो कि यार बहुत आपको है ना, उस गाड़ी में जो अंश ने गाड़ी लिया उसमें रैप भी होना है और अलॉय भी डलने हैं। गाड़ी मैं आपको अभी नहीं दिखा सकता, गाड़ी हम लेने जा रहे हैं, पर अभी दिखा नहीं सकता, क्योंकि वो आपको गाड़ी दिख जाएगी रिवील वाले दिन, क्योंकि अभी दिखा दिखाते, आपको पता है सरप्राइज खत्म हो जाएगा, सरप्राइज भी तो होना चाहिए ना थोड़ा। और बाकी अभी हम जा ही रहे हैं, और आपको पता है हमारे ब्लॉग्स इसलिए नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि ना अंश डाल पा रहा था, ना मैं डाल पा रहा था, क्योंकि गाड़ी की वजह से हम काफ़ी परेशान थे, बहुत दूर दूर जाना पड़ रहा था। पुणे गए थे हम काफ़ी टाइम, मतलब पुणे में जाकर हमने गाड़ी देखी है बहुत, वो भी वहां जाके भी बड़ी दिक्कत हुई है यार, एक गाड़ी देखी, काफी गाड़ी देखने के बाद जब जाके एक फाइनल गाड़ी हुई है, तो उसके बाद हम ये गाड़ी फाइनल करके हम लेकर आए हैं दिल्ली, तो अब उसका गाड़ी का काम करा के रिवील करेंगे। देखो बातें, और गाइस आप मेरे को एक चीज और बता दो यार, मेरे को स्विफ्ट में क्या क्या, आपको काफी लोग मेरे को डीएम करते हैं कि उसमें भैया आप ये कराओ वो कराओ, तो आप मेरे को बताओ मेरे को क्या कराना चाहिए, और गाड़ी का कलर अब दोबारा कौन सा करना चाहिए। पहले तो 10,000 करा दो, जल्दी से जल्दी और कुछ करूंगा मैं गाड़ी में, तो गाड़ी का आप मेरे को अबकी बार बताओगे तो बढ़िया। और देखो मैं काफी टाइम से जिम भी छोड़ रखी थी, तो मैं दोबारा से जिम ज्वाइन करने वाला हूँ, थोड़ा जिम में इसलिए जा रहा था, हिसाब लेना होता था, तो मैं दोबारा से जिम ज्वाइन करने वाला हूँ, और जिम की भी वीडियो आने वाली है, जिम के भी ब्लॉग आए करेंगे। और जिस भाई को भी मेरे से जिम के बारे में कुछ पूछना हो ना, तो फ्री ऑफ कोर्स है, कोई चार्जेस नहीं है, आप कभी भी डीएम करके या कुछ भी मैसेज करके आप मेरे से पूछ सकते हो। तो गाइस बातें हो गई है बहुत, और चलते हैं अब अंश के पास, तो पहले अंश को उठाते हैं, फिर वहां से जाके आपको पूरा दिखाते हैं। तो फाइनली गाइस मैं उसके घर पहुंच चुका हूँ, ये देखो टाइम कितने बज रहे हैं, 12:24। तो गाइस अब चलते हैं उसके घर, करते हैं गाड़ी बंद, ये देखो गाड़ी हो गई बंद, तो अब हम चलते हैं उसके घर पे, तो दिखाते हैं कि भाई क्या है, उसने क्या सीन किया क्या नहीं। आपको पता ही, उसने यार आपको पता है ना, उसने परेशान तो कर ही दिया, चुनता कर दी पूछा है। ये देखो ये खड़ी इसकी गाड़ियाँ, देख रहे हो गाइस गाड़ियाँ खड़ी है ना इसकी, ये रही इसकी वरना और स्विफ्ट, दोनों देखो सारी बीस एक जैसी खड़ी हो चुकी हैं। तो अब चलते हैं उसके घर, दिखाते हैं आपको घर पहुंच के, रात का वैसे टाइम काफ़ी हो रहा है यार, सर्दी का भी टाइम है और मौसम भी ठंडा सा है, तो अभी चल के उसकी बेल बजाते हैं घर की। तो ये अंश का घर आप देख ही रहे होगे, पर गाइस बाकी अभी आप अभी जाके देखते हैं घर पे क्या प्लानिंग करने वाला है और क्या नहीं है, कहाँ इसको गाड़ी के लिए अभी चाहिए। वो गेट भी खोल रखा है देख लो, तो गेट भी खुला हुआ है, तो गेट तो हमें खुला मिल गया, अभी पूछते हैं भाई गेट, अगर रात को बंद कर लिया करो, गेट वेट बंद नहीं करते हैं। तो अभी ये क्या यार, देखो यार रास्ता ही नहीं है, गलत आ गया, तो चलते हैं ऊपर। ये अंदर पता नहीं क्यों नहीं गाड़ी खड़ी करता, अंदर भी तो पार्किंग है यार, होगी नहीं शायद, लग रहा पहले से गाड़ी खड़ी हुई। ये नहीं सीढ़ियाँ, ये तो हम चलिए सीढ़ी के ऊपर पहुँच गए फाइनली घर। ये अंश कहाँ पर है,
ये देखो आपका बड़ा यूट्यूबर। और भाई अंश एक गेट वेट बंद क्यों नहीं करते भाई? तुम्हारे लिए खोलो ना। खोल रखा था ये कैसे? मतलब नीचे का भी गेट खुला है, ऊपर का भी गेट खुला है। ये देखो अभी क्या नाम है इसका, इसका क्या नाम है? मतलब मैं इसका नाम ही विपिन रख रखा है क्या? तो गाइस हम इसके घर पहुंच चुके हैं, तो अभी थोड़ा जो भी है बात बात करके आपको दिखाते हैं, मिलते हैं मैं भी थोड़ी देर में। हाँ भाई क्या प्लान है? तूने मेरे को इतनी रात को फोन करके क्यों बुलाया? गाड़ी लेने चलना भाई। तो अभी चलना है? और क्या, तो मतलब सुबह का कोई वो नहीं है? सुबह जाएंगे 10 बजे जाएंगे गाड़ी लेने। अच्छा तो 3-4 बजे जाएंगे आने में, गाड़ी का काम कब कराएंगे यार? ये मतलब अभी निकलेंगे तो पहुंचेंगे कब? पहुंच जाएंगे 2-3 बजे तक ज्यादा से ज्यादा। मतलब फिर आएंगे कब? मैक्स मान लो हम 4 बजे तक घर आ जाएंगे। तो फिर निकले? फिर अभी निकल ले यार, फिर कुछ लेट हो जाएंगे ज्यादा, तो कपड़े वपड़े चेंज कर फिर निकलते हैं। तो गाइस हम निकल रहे हैं, तो अब निकल ही रहे हैं क्योंकि ज्यादा लेट हो जाएंगे अगर ज्यादा देर रुके तो, फिर क्योंकि हमें वापसी भी आना है और फिर सुबह सुबह फिर और भी काम करने होंगे बहुत सारे। थोड़ी देर सो जाएंगे उसके बाद फिर हम निकलेंगे। तो मिलते हैं गाइस, अभी निकलते हैं घर से, मिलते हैं गुड़गांव। A few moments later. तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं गुड़गांव काफी देर के बाद। क्या टाइम हो गया भाई? रात के 1 बज रहे हैं भाई। भाई देख लो रात के 1 बज रहे हैं, तो देख लो हम आप फाइनली पहुंच चुके हैं गुड़गांव। तो देख रहे हो बाहर कुछ दिख भी नहीं रहा यार, यार कहाँ आ गए हम? ऐसे कहाँ है, कहाँ भी है, लग रहा है तुझे कहीं कुछ सुनसान हो रहा है? किस साइड आ गए मेरे भाई? आई डोंट नो भाई, मैप देख रहे हो? और यहाँ से भी 4-5 किलोमीटर दूर है अभी इस बाइक को, जहाँ में जाना है। इस बाइक को इतनी चूल है कि सर्दी में ये मेरे को अबे देखो वो दिख ही नहीं रहा बाबे, कुछ दिखेगा भी नहीं है। ये देखो देख लो कुछ दिखेगा नहीं, पूरा धुंध धुंध हो रहा है। और ये देख रहे हो गाइस इसको इतनी चूल है कि इतनी चूल में ये रात को नींद खराब करके इसको रात को गाड़ी चाहिए। भाई रात को ही गाड़ी चाहिए आपको? भाई सुबह काम भी कराने हैं सबके लिए। क्या कराना है आपको गाड़ी में? मॉडिफिकेशन करानी है, बहुत सारा सामान है जो बाहर से मंगवाया है अभी। यार मतलब ये बंदा नींद खराब कर सकता है, पर इसकी भी गलती नहीं यार भाई, हम कार लवर हैं, पर इसकी भी गलती नहीं, बहुत तैयारी करनी है। लड़कियां दिल नहीं तोड़ती लेकिन ये जो हमारी गाड़ियां हैं हमारे को यार प्यार बहुत करती है, हमें इससे प्यार है। बिना लाइट के कुछ दिख रहा है? इनको चोट लग जाती है तो हमें दुख होता है, ये बात है। ए यार हम लड़कियों से इतना प्यार नहीं करते जितना लड़कियों से गाड़ी से करते हैं हम। गाड़ियों सॉरी सॉरी जवान फिसल गया। तो कोई बात नहीं, वो तो होता है यार, पर ये हमारी जान है और हमारी जान से बढ़कर कुछ नहीं है, ठीक है? तो मानते हो ना हम लड़की के पीछे नहीं भागते, हम गाड़ी के पीछे भागते हैं, है ना? ऐसा ही है ना? तो इसलिए हम ना रात देखते ना दिन देखते अपना चले जाते हैं, ठीक है? पैसा कमाओ, बाकी चलते हैं अभी, बाकी हम पैसा कमाओ मौज काटो। तो बाकी अब चल के मौज क्या करेंगे पहले, अभी हम गाड़ी वाड़ी ले लेते हैं, फिर हम फिर कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर हम घर चलेंगे, फिर हम घर चल के आपको घर जाके अपडेट देते हैं, ठीक है? A few moments later. Finally, घर आ चुके हैं, हमने गाड़ी खड़ी कर दी, पार्किंग में खड़ी कर दी ना। मैं कवर वगैरह ढका नहीं ढका तूने? और तो अगर किसी ने देख ली सुबह, उससे पहले एक काम करेंगे हटा देंगे यहाँ से गाड़ी, है ना? हाँ तो हम सुबह होने से पहले पहले गाड़ी, हाँ भाई सुबह गाड़ी कितने बजे हटाए बता? अरे पागल है टाइम क्यों बता रहा है, गाड़ी टाइम थोड़ी बता रहा है यार, सुबह जल्दी फटाफट गाड़ी हटाएंगे क्योंकि अगर किसी ने देख ली तो फिर रिवील हो जाएगी वो पहले ही। दवाई दवाई पिएंगे भाई, तो मतलब सुबह सुबह गाड़ी का काम करेंगे। और क्या ये क्या चल रहा है, मतलब ये हो क्या रहा है? देख लो हुक्का भी रहे हैं, पार्टी चल रही है भाई, आप ही पीते हो हुक्का? ये क्या मतलब यार, ये दवाई है और कैसी दवाई चलती है हमारे पास? ये दवाई इस दवाई में कुछ मिला तो नहीं है? नहीं नहीं पक्का ये ठीक है। तो गाइस फाइनली है ना पहुंच जाना बत्रा मोटर पे, कितने बजे? 1 बजे कल मतलब आज नहीं, कल जब ये नेक्स्ट जब ब्लॉग देख रहे होगे ना, नेक्स्ट ब्लॉग के लिए आपको तैयारी है, मेंशन कर दो ना 13 तारीख वो मेंशन मैं कर दूंगा नीचे। तो बस अब ये ब्लॉग यही खत्म कर रहे हैं, तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं और बाकी सब मिलते हैं बत्रा मोटर पे 13 तारीख 1 बजे।